इस वक्त मेरे हाथ में है एक लिस्ट जिसमें लिखा है शौचालय मुफ्त, घर मुफ्त, बिजली मुफ्त, शिक्षा मुफ्त, बुजुर्गों को पेंशन मुफ्त, राशन मुफ्त और इलाज भी मुफ्त। सरकार ये सभी चीज़ें किसी न किसी योजना के तहत दे रही है, ऐसा सरकार का दावा है, लेकिन कितना हकीकत है उनके दावों में, तो आइए जरा समझने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, मैं हूं मिथिलेश और आप देख रहे हैं पब्लिक फोरम। सरकार के फ्री वाले दावों से पहले जरा एक कहानी समझिए। एक व्यापारी एक व्यापार की शुरुआत करता है, पर उसका व्यापार विकसित नहीं हो रहा क्योंकि लोगों को उस व्यापारी के सामान की कीमत अधिक लगती है। व्यापारी सोच में पड़ जाता है और एक नई तरकीब लेकर आता है जिससे वह अपने सामान की कीमत और बढ़ा देता है, पर इस बार वह अपने सामान के साथ दे रहा होता है एक मुफ्त सामान। इस बार लोग व्यापारी के सामान को बड़े चाव से खरीदते हैं और व्यापारी का व्यापार बड़ी तेजी से बढ़ने लगता है। कुछ दिनों बाद व्यापारी मुफ्त का सामान देना बंद कर देता है, लेकिन सामान का दाम नहीं कम करता, लोग अब भी सामान खरीदते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने ये कहानी आपको क्यों सुनाई, तो आपको बताऊं कि सरकारें, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, सभी कहानी के व्यापारी की तरह काम करती हैं। चलिए अब जरा इसे तथ्यों के साथ भी समझा जाए। 1 मार्च 2014 रसोई गैस वाले सिलेंडर की कीमत 410.50 रुपये थी और आज उसी गैस सिलेंडर की कीमत 911 रुपये है और सब्सिडी के नाम पर किसी के खाते में 30, किसी के खाते में 50 रुपये, तो किसी के खाते में वो भी नहीं। सरकार से पूछो तो कहती है मुफ्त गैस कनेक्शन दे रहे हैं। अरे भैया, आपने एक बार तो मुफ्त में कनेक्शन दे दिया, पर क्या गरीब के पास दोबारा गैस भरवाने के पैसे हैं? नहीं, आप गाँव में जाकर देख सकते हैं कि गरीब के पास गैस भरवाने को पैसे नहीं है और वो सिलेंडर जो आपने उज्ज्वला योजना के तहत उनको दिए हैं वो खाली पड़े हुए हैं। चलिए अब जरा पेट्रोल पर चलते हैं। मार्च 2014 पेट्रोल की कीमत 73.16 रुपये प्रति लीटर और आज पेट्रोल औसतन 102 रुपये प्रति लीटर पर पहुंच चुका है, जबकि 2014 में कच्चे तेल की कीमत $105 प्रति बैरल थी और आज वह महज $73 से $77 प्रति बैरल है। और भी कई उदाहरण हैं जहां से सरकारें अपनी कमाई बढ़ाई हैं जनता के ऊपर बोझ बढ़ाकर। तो आप समझ गए होंगे कि सरकारें जो मुफ्त में दे रही हैं वो हमसे ही ले रही हैं। जाते जाते सरकार को एक सुझाव, अगर सच में मुफ्त देना है तो अपनी कमाई के लिए नए संसाधन जुटाए, इस तरह से जनता को बेवकूफ़ बनाने का काम ना करें। और आप सरकार के मुफ्त वाले खेल पर अपनी राय हमें कमेंट में अवश्य दें और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नमस्कार। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।